गर्मी से लोग परेशान हैं, लू लगने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रिम्स में रोजाना करीब दर्जन भर मरीज विभिन्न जिलों से इलाज के लिए रिम्स पहुंच रहे हैं। हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। राज्य में हीट वेव के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लू की चपेट में आने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हर दिन अलग अलग जिलों में हीटवेव के मरीज बेहतर इलाज के लिए रेफर हो रहे हैं। रिम्स के औषधि विभाग में हीटवेव मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। हर दिन दर्जन भर से ज्यादा को लू लगने के कारण रिम्स में भर्ती किया जा रहा है। तो मैं इस तरह के तापमान में जो भी लोग बाहर निकलते हैं, खासकर के बच्चे या बूढ़े, तो उन लोग को हीटवेव होने का या हीट स्ट्रोक होने का बहुत संभावना है। तो इस तरह एक गाइडलाइन भी जारी है कि लोग बिना मतलब से नहीं निकलें, बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलें और पूरे कपड़े शरीर को ढक के निकलें और लूज कपड़े पहन कर निकलें। लू लगने का सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी होना होता है। अनुभवी चिकित्सक बताते हैं कि लोगों को इस वक्त धूप में निकलने से बचना चाहिए और अगर जरूरत पड़ने पर धूप से निकल ही रहे तो पूरे शरीर को ढक कर निकलना चाहिए। बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखना चाहिए और समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। हवा जो पड़ती है ना, उसे इनसेंसिबल लॉस पानी का ज्यादा हो जाता है, जो लोगों को पता नहीं चलता है, और शरीर में पानी की कमी होने के कारण मनुष्य को फीवर हो जाता है। इसी को कहते हैं हीट वेव। पानी ज्यादा पीना चाहिए, हमेशा कहीं भी जाना हो तो पीने लायक साफ पानी जरूर लेके चलना चाहिए। सिर दर्द होना, उल्टी आना, महसूस होना, तेज पसीना और झटका जैसा अनुभव होना, चक्कर आए तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना अधिक आना, मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है और ये स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि को हीटवेव कहते हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अभय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।